नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 6 फरवरी। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में कोरोना को लेकर लागू पाबंदियों पर आज होगा फैसला। बिजली चोरी में हाईटेक हुए लोगों से निपटने के लिए कंपनी ने जारी किया पत्र। पंचायत प्रतिनिधियों को मिलेगा बॉडीगार्ड। बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर एक्टिव हुए सीएम नीतीश। नलदल योजना पूरी करने में शहर से आगे है गांव। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में कोरोना को लेकर लागू पाबंदियों पर आज होगा फैसला। बिहार में कोरोना को लेकर पाबंदियां हटाने को लेकर के आज कोई फैसला हो सकता है, यानी कि क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक आज होने की संभावना है। हालांकि ये बैठक शनिवार को ही प्रस्तावित थी, लेकिन उसको टाल दिया गया है। अब सीएम नीतीश कुमार के साथ सरकार के आला अधिकारी की बैठक रविवार की दोपहर में होने की उम्मीद जताई गई है। इस बैठक में पाबंदियों को हटाने पर फैसला होगा। हालांकि सरकार में ज्यादातर पाबंदियों को हटाने पर सहमति बन गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि राज्य सरकार ने कोरोना को लेकर कई तरह की रोक लगा रखी है। शनिवार को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक होनी थी, जिसमें कोरोना को लेकर लागू पाबंदियों की समीक्षा कर उन्हें हटाने पर फैसला लेना था। हालांकि अब यह बैठक रविवार को होगी, लेकिन सरकार ने सूबे में स्कूल खोलने का फैसला कर रखा है। इसके साथ ही आज कई अन्य पाबंदियों को भी हटाया जा सकता है। चोरी में हाईटेक हुए लोगों से निपटने के लिए कंपनी ने जारी किया पत्र। बिहार सरकार बिहार भर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की तैयारी में कई घरों में अब तक ये काम कर भी चुकी है, क्योंकि सरकार को यही उम्मीद थी कि बिहार में बिजली चोरी की घटनाओं में कमी आएगी। लेकिन बिहार के लोग सरकार की किसी भी योजना से 2 कदम आगे ही है। यही कारण है कि चोरी करने का अंदाज हर दिन के साथ बदलता नजर आ रहा है। आलम कुछ यूं है कि अब तक कई ऐसी शिकायतें सामने आई हैं कि चोरी करने वाले कोई मीटर बॉडी सील को काट दे रहा है, तो फिर कोई मीटर के बॉडी में छोटा सा छेद कर स्विच को ही निष्क्रिय कर दे रहा है, जिससे बिजली की खपत कम हो जा रही है। इन्हीं तरीकों से निपटने के लिए कंपनी ने अब इंजीनियरों को पत्र जारी किया है। कंपनी ने कहा है कि बिजली चोरी के मामले में जांच की कार्रवाई कंपनी के नियमों और प्रावधानों के अनुसार फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी के साथ उपभोक्ता या उसके प्रतिनिधि की उपस्थिति में ही कराई जाए। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे रामधारी सिंह दिनकर की। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के एक प्रमुख लेखक, कवि और निबंधकार थे। वो आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि के रूप में स्थापित है। दिनकर स्वतंत्रता पूर्व एक विद्रोही कवि के रूप में स्थापित हुए और स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रकवि के नाम से जाने गए। वो छायावादोत्तर कवियों की पहली पीढ़ी के कवि थे। एक ओर उनकी कविताओं की ओज विद्रोह, आक्रोश और क्रांति की पुकार है, तो दूसरी तरफ कोमल श्रृंगारिक भावनाओं की अभिव्यक्ति है। इन्हीं दो प्रवृत्तियों का चरम उत्कर्ष हमें उनकी कुरुक्षेत्र और उर्वशी नामक कृतियों में मिलता है। दिनकर जी का जन्म 24 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में हुआ था। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से इतिहास राजनीति विज्ञान में बीए किया। बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर एक्टिव हुए सीएम नीतीश। बिहार में बिगड़ते कानून व्यवस्था के मद्देनजर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से 9 फरवरी को समीक्षा बैठक बुलाई है, जिसमें बिहार के डीजीपी समेत बिहार के एडीजी मुख्यालय, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और वरीय पुलिस अधिकारी मौजूद रहेंगे, क्योंकि बीते कई दिनों से बिहार के अलग अलग कोने से आपराधिक मामलों की जानकारी निकल कर केस सामने आ रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 9 फरवरी के दिन लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा बैठक बुलाएंगे। इस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई अहम फैसले ले सकते हैं। आपको बता दें कि पिछली बार 15 नवंबर के दिन समीक्षा बैठक बुलाई गई थी। इसमें नीतीश कुमार ने वरीय पुलिस अधिकारियों को कई तरह के दिशा निर्देश दिए थे। हालांकि 9 फरवरी को आयोजित होने वाली बैठक पहले आज के दिन बुलाई गई थी, लेकिन देर शाम इसे स्थगित कर दिया गया। बिहार में इस दिन शिक्षकों को मिलेगा नियुक्ति पत्र। बिहार के सभी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने की तैयारी हो रही है। इसको लेकर ही शिक्षा विभाग ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है, जिसके बाद ही अब ऐसी खबरें सामने आ रही है कि बिहार में 17 और 18 को शिक्षकों की नियुक्ति पत्र देने की योजना बनाई गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि राज्य में छठे चरण के तहत माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के कुल 32,714 पदों पर चल रही नियोजन प्रक्रिया के तहत चयनित अभ्यर्थियों को 17 और 18 फरवरी को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। इसके लिए नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग अवरोही क्रम में होगी और इसी आधार पर चयनित शिक्षकों को इच्छित विद्यालय मिलेंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार ने यह आदेश सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को दे दिया है और निर्देश का अनुपालन सभी संबंधित नियोजन इकाइयों में सुनिश्चित कराने को कहा है। काम के लिए बिहार के 24 जिलों के डीएम को किया जाएगा सम्मानित। जल्द ही बिहार के 24 जिलों के डीएम को पीएम मोदी पुरस्कार से सम्मानित करने वाले हैं। ये उन लोगों को मिलेगा जिन्होंने लोक प्रशासन में उत्कृष्ट कार्य किया है, उन्हें ये दिया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस पर दिल्ली के विज्ञान भवन में ये सम्मान समारोह किया जाएगा। 2021 में लोक प्रशासन के काम में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार का निर्धारण किया गया है। जानकारी के अनुसार ये पुरस्कार देश में सिविल सेवकों द्वारा किए गए अनुकरणीय कार्य को स्वीकारने, मान्यता देने और पुरस्कृत करने के लिए तैयार किया गया है।
बिहार के लिए खुशी की बात यह है कि इसमें बिहार के 24 जिलों के डीएम का नाम शामिल किया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि पुरस्कारों का दायरा जिले के सभी क्षेत्र में समग्र परिणामोन्मुख कार्य निष्पादन क्षेत्र की पहचान करने के लिए बढ़ाया गया है। अब खांसी की आवाज से ही होगी टीबी मरीजों की पहचान। अब बिहार में टीबी के मरीजों की जांच नए अंदाज में होने वाली है, जिसके तहत ही अब बिहार में टीबी के मरीजों की जांच के लिए अब बलगम नहीं खांसी की आवाज के सैंपल लिए जाएंगे। सरकार ने एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए फील्डी ऐप नाम से एक मोबाइल ऐप तैयार कराया है। कफ साउंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉल्यूशन टू डिटेक्ट टीबी प्रोग्राम के तहत इसका ट्रायल शुरू किया गया है। अब जल्द ही पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पहले चरण में प्रत्येक प्रखंड में लोगों का सैंपल कलेक्शन किया जाएगा। ऐप के माध्यम से संक्रमित रोगी, दूसरे संक्रमित के संपर्क में आए रोगी और तीसरा टीबी के लक्षण पाए गए रोगी से ऐप के माध्यम से 30-30 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद उनकी आवाज रिकॉर्ड की जाएगी। सिविल सर्जन ने बताया है कि आवाज के जरिए टीबी की पहचान करने के लिए बिहार के अलग अलग जिलों से सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं। पंचायत प्रतिनिधियों को मिलेगा बॉडीगार्ड। शनिवार को परिसदन में पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने संवाददाताओं से बातचीत के दौरान बड़ी जानकारी दी है, जिसके तहत उन्होंने बताया कि पंचायत प्रतिनिधियों की सुरक्षा को लेकर सरकार पूरी तरह सजग है। पंचायत प्रतिनिधि खुद की सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन से बॉडीगार्ड की मांग कर सकते हैं। जांच के बाद संबंधित जनप्रतिनिधि किसी मामले में आरोपित नहीं है तो 6 महीने के लिए बॉडीगार्ड उपलब्ध कराया जा सकता है। आपको बता दें, पंचायत चुनाव के बाद से ही कई मुखिया पर हमले की जानकारी निकल करके सामने आई थी। इसी को ध्यान में रखते हुए उक्त निर्णय लिया गया है। इतना ही नहीं, अब पंचायत प्रतिनिधि अपनी सुरक्षा खुद करने के लिए लाइसेंसी हथियार भी रख सकते हैं। जिलाधिकारी के यहां आवेदन करें। समुचित जांच के बाद हथियार का लाइसेंस मुखियाओं को उपलब्ध करवाया जाएगा। बेसिक ट्रेनिंग के लिए एकेडमी जाने वाले दरोगा को रखने होंगे कुछ दस्तावेज। 28 फरवरी से 15 मार्च के बीच नवनियुक्त दरोगा और सार्जेंट बुनियादी प्रशिक्षण के लिए पुलिस एकेडमी जाना शुरू कर देंगे। बिहार पुलिस में पिछले महीने 2062 दरोगा और 215 सार्जेंट का योगदान कराया गया था। इन्हें बुनियादी प्रशिक्षण के लिए बिहार पुलिस एकेडमी भेजने की जगह जिला बल में प्रशिक्षु के तौर पर योगदान करने के निर्देश दिए गए थे। अब जल्द ये प्रशिक्षण के लिए जाना शुरू करने वाले हैं। इसको लेकर पुलिस एकेडमी ने उन्हें अकादमिक योगदान कराने के लिए पुलिस मुख्यालय को पत्र लिखा है, जिसमें जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जारी पत्र के अनुसार अकादमी पहुंचने पर उन्हें कोरोना की आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी लेकर आना होगा। आरटीपीसीआर रिपोर्ट योगदान की तारीख से 1 सप्ताह पहले तक का होना चाहिए। हिमाचल जम्मू वाली सर्दी का हो रहा है एहसास। बिहारवासियों को अभी ठंड से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं जताई जा रही है, क्योंकि अभी भी मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश को लेकर अपना अलर्ट जारी किया है। बदलते मौसम के कारण राज्य में एक बार फिर से ठिठुरन वाली ठंड देखने को मिलने वाली है। बिहार के 38 जिलों में हुई बारिश से मौसम पूरी तरह ठंडा हो गया है। वर्तमान समय में बिहार में लोगों ने हिमाचल और जम्मू वाली सर्दी को महसूस किया। वहीं कई जिलों में कश्मीर की बर्फीली हवाओं वाली कनकनी का भी एहसास हो रहा है। मौसम विभाग ने शनिवार के दिन और रात तक किशनगंज, कटिहार, अररिया और पूर्णिया में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया था। साथ ही मुजफ्फरपुर, खगड़िया, बेगूसराय और समस्तीपुर में ओला गिरने का अलर्ट जारी किया गया था। बता दें कि पटना समेत ज्यादातर हिस्सों में कुहासा छाए रहने का अनुमान रविवार को भी जताया गया है। वहीं रविवार से मौसम शुष्क होने की संभावना भी जताई गई है। मैट्रिक की परीक्षा में ओएमआर और उत्तर पुस्तिका पर रहेगी परीक्षार्थियों की फोटो। मैट्रिक परीक्षा में शामिल होने वाले सभी परीक्षार्थियों के लिए अहम सूचना। मैट्रिक परीक्षा में ओएमआर, उत्तर पत्रक और उत्तर पुस्तिका दोनों पर छात्र की फोटो रहेगी। फोटो से छात्र के चेहरे का मिलान वीक्षक आसानी से कर सकेंगे। इसके अलावा उपस्थिति और अनुपस्थिति पत्रक पर भी छात्र की फोटो होगी। इससे फर्जी तरीके से परीक्षा दे रहे छात्र को आसानी से पकड़ा जा सकेगा। इसकी जानकारी बिहार बोर्ड ने सभी परीक्षा केंद्रों को दे दी है। इंटर परीक्षा के साथ ही मैट्रिक वार्षिक की तैयारी बिहार बोर्ड ने शुरू कर दी है, जिसके बाद ही अब मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 17 से 24 फरवरी तक होगी। परीक्षा में 16,48,894 परीक्षार्थी शामिल होंगे। प्रदेश भर में 1525 परीक्षा केंद्र भी बनाए गए हैं। पटना जिले में 74 परीक्षा केंद्र है। बिहार की बहू अमेरिका में होगी सम्मानित। बिहार की बेटी अंजलि यादव को अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ कैंसर रिसर्च के साल 2022 के प्रतिष्ठित ग्लोबल स्कॉलर अवार्ड के लिए चुना गया है। यह अवार्ड विश्व के 10 युवा वैज्ञानिकों को कैंसर से संबंधित उनके उत्कृष्ट शोध कार्य के लिए दिया जाता है। यूपी के देवरिया जिले में जन्मी अंजलि आईआईटी कानपुर में पुरुषों में होने वाले स्ट्रेट कैंसर पर 2018 से शोध कर रही हैं, जो जल्द पूरा होने वाला है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय विद्यालय चंडीगढ़ में मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद ही रिसर्च करने का सोच रखा था, अब सपना साकार हो रहा है। हालांकि उन्होंने रिसर्च के संबंध में ज्यादा डिटेल्स बताने से मना कर दिया। बारिश के कारण किसानों को हुआ बहुत नुकसान। बिहार में पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश के कारण आम जनजीवन तो बुरी तरह से प्रभावित हुआ ही है। अब मौसम की बेरुखी ने बिहार के दलहन तिलहन किसानों को भी भारी नुकसान पहुंचाया। जहां जहां भी फरवरी महीने में बारिश हुई, वहां पिछले 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया। वहीं इस बारिश के कारण किसानों के तिलहन और दलहन और सब्जी उत्पादन में भारी नुकसान हुआ है। कृषि वैज्ञानिकों की माने तो 3 दिन की बारिश में किसानों को उत्पादन में कम से कम 30% का नुकसान उठाना पड़ा है, जो लगभग 800 करोड़ रुपए के आसपास है।
मौसम के उतार चढ़ाव के कारण आलू की फसल में भी रोग लगने की आशंका बढ़ गई है। कई इलाकों में आलू की फसल में झुलसा रोग लगने की सूचना भी सामने आने लगी है। फरवरी में बेमौसम बरसात ने लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर लगी मसूर की फसल को चौपट कर दिया है और तिलहन की लगभग यही स्थिति बताई जा रही है। बांग्लादेश और भूटान से भारत की करीबी बढ़ाएगा बिहार। प्रधानमंत्री की गति शक्ति योजना को बिहार अब धरातल पर उतारने वाला है। इसलिए पीएम मोदी की गति शक्ति योजना के तहत बीते दिन पटना के गायघाट से एफसीआई का 200 टन चावल लेकर कार्गो शिप बीते दिन रवाना हुई। ये पटना के गायघाट स्थित बंदरगाह को गंगा के रास्ते कोलकाता के हल्दिया बंदरगाह और वहां से बांग्लादेश होते हुए गुवाहाटी के पांडु बंदरगाह तक पहुंचेगा। पटना में इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय पतन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के मंत्री सर्वानंद सोनोवाल, अश्विनी चौबे, बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी, राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी, सांसद राजीव प्रताप रूडी मौजूद रहे। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और बांग्लादेश के जहाजरानी मंत्री खालिदा महमूद चौधरी भी शामिल हुए। के खिलाफ पहले वनडे में ओपनिंग करेंगे ईशान किशन। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने शनिवार को पुष्टि की है कि भारत के युवा बल्लेबाज ईशान किशन अहमदाबाद में वेस्टइंडीज के खिलाफ एक दिवसीय सीरीज के पहले मैच में उनके साथ बल्लेबाजी की शुरुआत करेंगे। इस हफ्ते की शुरुआत में भारतीय क्रिकेट टीम में तीन मुख्य खिलाड़ी सीनियर ओपनर शिखर धवन, रिजर्व ओपनर ऋतुराज गायकवाड़ और मध्यक्रम के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद ईशान किशन को मयंक अग्रवाल के साथ एक दिवसीय टीम में शामिल किया गया था। ईशान किशन को दक्षिण अफ्रीका एक दिवसीय श्रृंखला बायो बबल में स्थानांतरित किया गया था। वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले मैच के लिए उपलब्ध होंगे। नल जल योजना पूरी करने में शहर से आगे है गांव। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के महत्वाकांक्षी योजना हर घर नल का जल को पूरा करने में गांव ने शहरों को भी पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि जो आंकड़े सामने आए हैं उसके अनुसार लक्ष्य के विरुद्ध नल जल का घरों में कनेक्शन देने को लेकर शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की रिपोर्ट बिहार विकास मिशन ने जारी की है। गांव में लक्ष्य के अनुरूप 100% तो शहरों में 94% उपलब्धि हासिल हुई है। दिसंबर 2021 तक के प्रदर्शन के आधार पर जिलों की रैंकिंग में मिशन ने जारी की है, जिसके तहत लक्ष्य पूरा होने के बाद भी नए घरों में कनेक्शन दिए जाने का कार्य जारी है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि गांव और शहरों में नल जल कनेक्शन देने के जिलों की रैंकिंग अलग अलग की गई है। गांव में कनेक्शन देने में बांका तो शहरों के मामले में जहानाबाद को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। गांव के मामले में बांका, भोजपुर, मुजफ्फरपुर, नालंदा और पूर्वी चंपारण पहले से पांचवें स्थान तक है। बालिका गृहकांड को लेकर सरकार के पास 7 फरवरी तक का समय। बालिका गृहकांड को लेकर के इन दिनों बिहार में चर्चाएं तेज है। इसी बीच अब पटना हाईकोर्ट भी इस पूरे मामले में कूद पड़ा है, जिसके बाद ही हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को 7 फरवरी तक का समय दिया है। चीफ जस्टिस संजय करोल की डिवीजन बेंच ने इस मामले को काफी गंभीरता से लिया और राज्य सरकार से 7 फरवरी 2022 तक पूरी स्थिति का ब्यौरा तलब किया है। साथ ही कोर्ट ने समाज कल्याण विभाग के अपर प्रधान सचिव को पार्टी बना उन्हें अपने स्तर से जांच करने का निर्देश दिया। अधिवक्ता मणिभूषण प्रताप सिंगर ने पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग करते हुए भारत के चीफ जस्टिस को पत्र लिखा है। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री को भी पत्र जारी किया है। राज्य के 4 साइकिलिंग खिलाड़ियों का चयन होगा खेलो इंडिया में। बिहार के 4 साइकिलिंग खिलाड़ियों का चयन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की योजना खेलो इंडिया में हुआ है। बिहार में जिन खिलाड़ियों का चयन हुआ है उनमें पूर्णिया की नीलम कुमारी और मयंक राज, रोहतास के नीतीश कुमार और सिवान के शशिकांत यादव का चयन हुआ है। नीलम कुमारी आई के गुवाहाटी साइकिलिंग प्रशिक्षण केंद्र पर प्रशिक्षण लेंगी। मयंक, नीतीश और शशिकांत साई के कुरुक्षेत्र साइकिलिंग प्रशिक्षण केंद्र पर प्रशिक्षण लेंगे। साइकिलिंग एसोसिएशन ऑफ बिहार के सचिव डॉक्टर कौशल कुमार ने बताया है कि इन खिलाड़ियों का चयन 26वीं राष्ट्रीय रोड चैंपियनशिप में खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर हुआ। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि केंद्र सरकार की इस योजना में खिलाड़ियों को मुफ्त भोजन, आवास, चिकित्सा बीमा, खेल सामग्री, खेल किट और खेल प्रशिक्षण की उच्च स्तरीय सुविधाएं प्रदान की जाती है। बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का हुआ शिलान्यास। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, उपमुख्यमंत्री रेणु देवी, तारकिशोर प्रसाद, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद, सोनपुर के विधायक रामानंद प्रसाद, पटना के मेयर सीता साहू समेत कई गणमान्य लोगों ने बीते दिन देश और राज्य में व्यापार का विकास के लिए पटना सिटी के गायघाट स्थित पटना अंतरदेशीय जलमार्ग का शिलान्यास कर दिया। बीते दिन केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री से सामूहिक रूप से हरी झंडी दिखाकर ट्रायल के रूप में गायघाट स्थित भारतीय अंतरदेशीय जलमार्ग से लाल बहादुर शास्त्री कार्गो पर एफसीआई का 200 टन चावल लदा पोत को रवाना किया गया। वहीं इस दौरान ऑनलाइन माध्यम से उद्योग मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और जहाजरानी मंत्रालय बांग्लादेश के मंत्री खालिद मोहम्मद द्वारा सारण में स्थित कालूघाट इंटरनेशनल बंदरगाह का शिलान्यास किया गया।
सड़क बनाने में केंद्र से राज्यों तक हुआ मेहरबान। बिहार में इन दिनों सड़कों का नेटवर्क बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार का जोर शोर से पूरा सहयोग देखा जा रहा है। केंद्र सरकार ने इसको लेकर केंद्रीय बजट में देश में 25,000 किलोमीटर एनएच का विस्तार करने का निर्णय लिया है। इससे बिहार को कम से कम 1,000 किलोमीटर सड़कें मिल जाएंगी। वहीं ग्रामीण सड़कों का नेटवर्क बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत काम किया जा रहा है। राज्य सरकार भी इसमें तेजी लाने के उपाय कर रही है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार की कोशिश जमीन पर नहीं उतर पा रही है। पिछले साल बिहार में 1 किलोमीटर भी एनएच का टेंडर एनएचएआई ने नहीं किया। इस पर बिहार सरकार ने विधिवत आपत्ति जताई और केंद्र को सड़कों का टेंडर करने के लिए कहा है। दूसरी तरफ ग्रामीण सड़क के ठेकेदारों की सुस्ती के कारण समय पर नहीं बन पा रही है। बिहार ने केंद्र सरकार को भारतमाला परियोजना फेज 2 के तहत 905 किलोमीटर सड़कों के बनाने का प्रस्ताव भेज रखा है। आने वाले समय में नहीं लगेगा पार्किंग शुल्क। अगर आप भी राजधानी पटना के निवासी हैं तो आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको अपनी गाड़ी पार्किंग के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। मेरी जानकारी के अनुसार लोगों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए पटना नगर निगम के सभी 36 पार्किंग स्थलों पर वाहन पार्क करने के लिए अब कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में इस पर अब आगे कोई भी फैसला लिया जाएगा। हालांकि अभी इसके प्रस्ताव पर अंतिम मुहर लगना बाकी है। इस प्रस्ताव पर मुहर लगने के बाद नगर निगम के सभी पार्किंग एरिया में पार्किंग मुफ्त हो जाएगी। हालांकि फ्री पार्किंग सेवा का लाभ उठाने के लिए लोगों को अपने मोबाइल में स्वच्छता ऐप डाउनलोड करना होगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि पटना के 36 पार्किंग क्षेत्रों को स्मार्ट बनाने की तैयारी जोरों पर है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने निकाली रिक्तियां। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने भारतीय सिविल सेवा परीक्षा 2022 के कुल मिलाकर 816 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 22 फरवरी 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से जाकर ले सकते हैं। पप्पू यादव ने लिया बदलाव का संकल्प। बीते दिन सरस्वती पूजा के मौके पर जा प्रमुख पप्पू यादव ने बड़ा संकल्प लिया, जिसके तहत उन्होंने बेटियों की सुरक्षा और बेरोजगारी की प्रतियोगी परीक्षा समय पर सुनिश्चित करवाने का संकल्प लिया है, जिसको लेकर उन्होंने बीते दिन कहा कि हमें अपनी बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सबसे पहले उसकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की पहल करनी होगी। वहीं पटना के गायघाट बालिका गृहकांड में लड़कियों के यौन शोषण की कथित घटना की तरफ इशारा करते हुए पप्पू यादव ने बिहार की बेटियों के लिए असुरक्षित माहौल का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब तक देश और बिहार में बेटियों की सुरक्षा के अनुकूल माहौल नहीं बनता, तब तक वो आत्मनिर्भर नहीं होंगी। इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। 1959 में भारत में केरल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश के रूप में अन्ना चांडी को नियुक्त किया गया। वो उच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली महिला न्यायाधीश बनी। देश का पहला पेसमेकर बैंक 1999 में कोलकाता में स्थापित हुआ। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 6 फरवरी 2008 को आइसलैंड के राष्ट्रपति रेगरा ग्रिमसन से बातचीत की। 6 फरवरी 2008 को ही देश के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान के लिए उद्योगपति एमपी जिंदल को उद्योग रत्न से नवाजा गया। 6 फरवरी 2009 में भारत ने नेपाल के साथ लगी अपनी सीमा पर 3 बड़े बांधों के निर्माण के लिए 9.45 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी। 1890 में भारत रत्न सम्मानित महान स्वतंत्रता सेनानी खान अब्दुल गफ्फार खान का जन्म हुआ। 1931 में स्वतंत्र भारत देश के पहले पंत प्रधान जवाहरलाल नेहरू के पिताजी और नेता मोतीलाल नेहरू का लखनऊ में हुआ। इंस्टाग्राम पर आया एक कमाल का फीचर। इंस्टाग्राम अपने प्लेटफॉर्म पर बच्चों और युवाओं के लिए सुरक्षित जगह बनाना चाहता है। मेटा के स्वामित्व वाली कंपनी ने सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2022 से पहले भारत में टेक ए ब्रेक फीचर शुरू किया है। ये फीचर भारत सहित सभी देश में शुरू किया गया है। जैसा कि नाम से पता चलता है कि टेक अ ब्रेक फीचर यूजर को इंस्टाग्राम से ब्रेक लेने के लिए कहेगा और सुझाव देगा कि वो ऐप से ब्रेक लेने के लिए रिमाइंडर सेट करे। ये फीचर उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो अपना बहुत ज्यादा समय इंस्टाग्राम पर बिताते हैं। टेक अ ब्रेक फीचर हर बार तब पॉप अप होगा जब यूजर ऐप पर बहुत समय बिताएंगे। यूजर को इंस्टाग्राम से ब्रेक लेने के लिए कहा जाएगा और सुझाव दिए जाएंगे कि वो भविष्य में और अधिक ब्रेक लेने के लिए रिमाइंडर सेट करे। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है विनोद कुमार, मुन्ना यादव, जितेंद्र ठाकुर, नुन्नु कुमार, मुन्ना कुमार, राम सगुनदास, निधि चौधरी, वाल्मीकि सिंह, विजय कुमार, रघुनाथ प्रसाद, एहसन एहसन, रुपेश कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार आज भारत बनाम वेस्ट इंडीज के बीच खेले जाने वाले मुकाबले में किस टीम का पर राज ज्यादा भारी है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।